ये बछड़ा कितने तक का होगा? ये इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी अस्सलामुअलैकुम खवातीन हज़रात एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई जहाँ से मैंने अपना ब्लॉग एंड किया था वहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ। तो सिस्टम इस तरह है कि मैं अभी इस टाइम आया हूँ वैड़ों वाली साइड पे, ठीक है, वैड़ा मंडी आया। अच्छा, वैड़ा मंडी, पहले पकड़ा मंडी था, वैड़ा मंडी है। तो वैड़े में आपको दिखाता हूँ, उसके प्राइस बता दूँ, क्या हिसाब किताब है। वीडियो देखिए, मैं सब वीडियो को बिल्कुल स्किप करिए, एंड तक देखिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं। यार अमर, मुझे एक बात समझ नहीं आती, क्योंकि जो आंखों से ये काला काला निकल रहा होता है, क्या ये इनके आंसू होते हैं? ये इनके सुरमा होते हैं। सुरमा है, इस यहाँ पे बह क्यों रहे इनके? कौन है ये लोग? मुंह में कुछ है नहीं, अभी शुरू होया पड़ा है, बुरा लगता है भाई। इसकी क्या प्राइस होगी? यार इस जानवर की भी ना, ये छोटा सा, इसकी पसलियां बाहर आई हुई है, कुछ खाया पिया नहीं है, कमजोर सा जानवर है। इसकी भी तकरीबन ना ये डिमांड करेंगे तकरीबन 1 लाख से ऊपर की डिमांड करेंगे इसकी। अच्छा, आजकल जो ओलंपिक वायरस जो जानवर में चला हुआ है, मैं आप लोगों से ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप जानवर लेने के लिए तो एहतियात से जानवर लेगा। तो मेरे सामने एक जानवर खड़ा हुआ जिसको थोड़ा सा है बीमारी, ये दाने निकले हुए, तो उसको मेरे ख्याल से कोई बीमारी है। आप भी जब कोई जानवर लेने के लिए आए तो जरूर जो है ना उसका मुआयना पहले अच्छे से कर लें, ताकि जो है जानवर आपको, क्योंकि आप पैसे खर्च कर रहे हैं और अच्छा जानवर भी सही ना हो, बीमार जानवर हो, तो वो अच्छी बात नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारी इसकी आंखें चेक कर, कितनी प्यारी है, फुल गोरा है, लेकिन आंखें इसकी जो है ना थोड़ी ब्लैक ब्लैक, और इसकी जो कान है ब्लैक, कुदरत है ना, पूरा चिट्टा और आंखें और कान काले कर दिए इसके। दोबारा बोलिए। लोग तो दरिया में डूब जाते हैं, हम तो इनकी आंखों में डूब जाते हैं। सस्ती शहरी वे धातु बुलाकर चेक करो, इतना चिट्टा है लेकिन इसका मुंह काला। हमारा बिल्कुल तेरे पे गया वैसे ये। प्राइस पता करूंगा ना तो आपके होश उड़ जाएंगे, मैं इसलिए अभी सोच रहा हूँ कि ना ही पता। सो गाइस, ये फेयर एंड लवली लगा लगा फेयर एंड लवली लगा लगा के चिट्टे हुए हैं। ओए, तुम लोगों का नेचुरल कलर नहीं है, ठीक है ना, फेयर एंड लवली का कमाल है। क्रीम में छोड़ के चेक करो, तू मेरा पुतल छुट्टी का, चल इतना चिट्टा हो गया कि नाक भी पिंक हो गई। पागल वागल हो गए क्या, बातें कर रहे हैं? जानवर इसी तरह ही हुआ है, फायदा ब्यूटी क्रीम लगा लगा के औरतों वाले काम में। मारा का, तुझे कभी भूख लगे ना जिंदगी में, इनसे इजाजत मांग के खा ली, ठीक है। और आपके सारे फिर किसके हैं? गोश्त के। अच्छा, पसंद कर रहे हैं कि मिल गए तो ले जाएंगे, ना मिले तो। पसंद यहाँ पे पसंद करना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत महंगे रेट हैं यहाँ पे। तो छोटा जानवर आप पता करेंगे ना 2 लाख? चाचा आपको व्यापारी समझ रहे हैं वो भाई, सीधा कहते नहीं हूँ मैं। खुला मैदान, खुले खुले लोग, हाय 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 हाय। वैसे एक बात है, खुले मैदान में करने का अपना ही चस है। और ये एक बाइक और वो चेक करें, वो चेक करें, बैठने लगा है लेकिन कैमरा बंद कर दे। इनकी हम प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 1, 2 and 3। तो गाइस तीन लोग एक साथ खुले हवा में चिल करते हुए। अरे व्हाइट वाले कितना मांगते हो? 4.5 लाख का। 4.5 लाख का, कितने मन होगा ये? 6 मन का। 6 मन का जानवर है गाइस, आप देख सकते हैं, है तो खूबसूरत, वैसे हमारा मानना पड़ेगा। प्राइस के लिहाज से थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन है प्यारा वैसे। क्या किया वैसे, ये बैठता कैसे हुआ है? इसके जैसे डीली करते होंगे, क्या करते होंगे, इसका क्या सिस्टम है, समझ नहीं आ रही, बेचारे खड़े रहते होंगे। अरे जानवरों को इस तरह खड़ा किया हुआ होता है, बैठते कैसे? ढीला कर देते हैं। ढीला करते हो, ठीक है, फिर सही है। दो बैठे, किधर क्या कर रहे हैं? बड़ा खरीदने, बड़ा खरीदने, पैसे हैं जी? कितने? क्या एक्टिंग कर रहा है? जो डाना ने कहा था, क्या था? तो बोतल में कांप आ दिया, बोतल में कांप आ दिया, पा दिया। नहीं लुक। कितना मांगते हो ये वाला जो है? ये ब्राउन वाले था। यो। हाँ, ये इसका 2.40। और सफेद था? 5। फाइनल फाइनल प्यार मोहब्बत के साथ कितना कर दोगे काम? नहीं तुम प्यार मोहब्बत दिखाओ ना। 4.5। प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत भाई ने दिखाई है, 4.5 इसका मांग रहे हैं। कौन से इलाके से है? मुल्तान, मुल्तान के होंगे, मुल्तान गाइस, मुल्तान का शिदाई, क्या कहते हैं हमार बापी, समझ रहे हो आप? मुल्तान, मुल्तान लवर वाला 2.70 का। हाँ, 2.70 का। दोबारा बोलो, 2.70। ओ भाई, इतने प्यार मोहब्बत से बोला, फ्री मिलेगा हमार? मैं तो कहता हूँ प्यार मोहब्बत दिखा, फ्री में दे देंगे। मेरी गर्ल सुनो, ये बछड़ा कितने तक का होगा? ये इसकी बात कर, इसकी इसका रेट लगाओ, मुनासिब रेट लगाओ। कोई रेट बड़ा है जानवर, क्या रेट है? प्यारा लग रहा है वैसे। 3.5 लाख। 3.5 लाख क्या है इसमें, पेट्रोल पीता है? फिर कितने मन का होगा ये वाला? 2.5 लाख कह रहा हूँ। मन 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 है, मन गोश्त मन, कितने मन का होगा ये? 7.5। हाँ जी ना, इतना इतना झूठ अच्छा नहीं होता। ये तकरीबन, अगर मैं मुनासिब बताऊँ ना
तो ये 3.5 मन से ज्यादा का नहीं होगा। नहीं नहीं 3.5 मन इसको मिला मुलू के कह रहे हो, सिर्फ गोश्त का कह रहे हो 7 मन, सिर्फ गोश्त निकाल इतना नहीं होना है। ये तकरीबन 3.5 मन या 4 मन का ज्यादा का नहीं। वैसे भी मैं इधर आया तो इस वलीद साहब ने जो है ये वाला जानवर पसंद कर लिया, ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसका सौदा बनाते हैं। तो भाई साहब ने अभी रेट जो बताया इसका 2 लाख बताया था, तो अभी कितने पे आके फिक्स हुए? ये वाला जानवर हमें पसंद आया, तो वैसे हम शुगर मेले के लिए आए थे लेकिन हमें जानवर शुगर में पसंद आ गए। कितना रेट बताया था भाई? 160। 55 फाइनल करो बता दो। 55 बिल्कुल फाइनल है, जायज है क्योंकि यहाँ से किराया लगा के भी जाना है। 55 फाइनल करो बताओ। 5 मान का बच्चा है, देखो सीट लेके जाना है ना, किराया ला के जाना है, केड़ा बबा के जाना है। करो यार चले फाइनल लेके जाना, ले जाओ ठीक मिल जाएगा। ये साइड से कुछ इस तरह का दिखता है यार। अभी सौदा बनाने की कोशिश की थी लेकिन वो व्यापारी जो था वो नीचे आने को राजी नहीं था, तो इस वजह से जो है सौदा हमारा बिल्कुल हो गया थोड़ा सा कैंसिल। मेरे सामने एक और बैल खड़ा हुआ है, इसकी प्राइस जरा पता करते हैं क्या प्राइस है इसकी। ये अकेला आपका जानवर है? क्या प्राइस है इसकी? 180। 180 जी। कितने के? 180 का। लेकिन उस्ताद ये मेरे ख्याल से कोई बीमार जानवर लग रहा है मुझे, ये देखो ना दाने निकले हैं इसे। एलर्जी नहीं है ये, जिसका 180 मांगे, लेकिन अभी बारी कह रहा है कि नहीं है इसमें कोई ख़राबी, लेकिन मुझे तो लग रहा है इसमें ख़राबी है। तो गैस ये थी बैल मंडी के कुछ मामला, ठीक है। तो ये रेट वगैरह थे और हमारा सौदा बन रहा था, लेते लेते हम रह गए लेकिन हमने नहीं लिया जानवर। तो सिस्टम इस तरह है, बस अब मैं अपने ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करता, अंधेरा भी हो गया और मारने जाना भी है अभी। मैं अपने ब्लॉग को करता हूँ यहाँ पे एंड। उम्मीद है आप लोगों को मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो मस्ट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।